हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ऑल इन वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गाजर का हलवा यूनिक स्टाइल में बनाना बताऊंगी आपको, जिसमें आपको गाजर के हलवे का स्वाद तो आएगा ही, साथ ही कराची हलवे का भी टेस्ट आएगा। तो आइए देखते हैं कि मैं सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस सा गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में और मिलकर बनाते हैं ये हलवा। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हुई है। इसकी खासियत यह है कि ये बर्फी गाजर का टेस्ट भी देती है और कराची हलवे का भी। गाजर की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये चार गाजर लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से छील लिया है, धोकर के छील लिया है और अब हमें इन्हें कट करेंगे। अब हम इन्हें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से इन्हें काट लेंगे और इन्हें हमें मिक्सी में पीसना है। इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे ही कट कर लेंगे। अब मैंने इन सभी गाजरों को काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। बस पानी हमको इतना ही डालना है जिससे इसका स्मूथ पेस्ट बन जाए और अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब ये इस तरह का मिक्सी में ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बन गया है गाजरों का। अब हम इन्हें एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। अब मैंने एक बाउल पर इस तरह से स्ट्रेनर रख दिया है और इसमें इस सारे पेस्ट को डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। अब मैंने इन सभी गाजरों का रस निकाल लिया है। अब इस रस में हम लगभग आधी कटोरी कॉर्नफ्लोर मिला देंगे और इसे विस्कर की सहायता से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये धीरे धीरे मिक्स करते हुए हमें इसमें सारा कॉर्नफ्लोर मिला देना है। अब इसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर पूरा मिला दिया है। इस स्टेज पर इसमें हम अगर आर्टिफिशियल कलर डालना हो तो हम इसमें दो तीन बूंद रेड कलर की भी डाल सकते हैं। मैं इसमें रेड कलर नहीं मिला रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे लगभग डेढ़ कटोरी चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चीनी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरे हिसाब से इतनी चीनी बहुत है। और इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी, डेढ़ कटोरी में लगभग आधा कटोरी पानी डालेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब इसकी चीनी मेल्ट होने तक हम इसे पकाने लेंगे। अभी हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसे कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से इसमें हिला करके और इस गाजर के रस को इसमें डाल देंगे। और अब इसे 3-4 मिनट तक पकने देंगे। अब ये उबलने लगा है और इस ये मिक्सचर भी कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे घी। हमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। घी इसमें 3-4 चम्मच डल जाएगा, लेकिन 2-3 बार में करके डालेंगे। अभी ये घी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा ये पानी, लेकिन धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब करना छोड़ देगा जब तक हम इसमें घी डालेंगे। अभी हमने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब वो 1 चम्मच घी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम 1 चम्मच और घी डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए कितना गाढ़ा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैंने लगभग 3 चम्मच घी और डाल दिया था ऐसे करते करते, और अब 1 चम्मच घी और डालेंगे। और अब ये देखिए मिक्सचर ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हमारा मिक्सचर घी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, हलवा भी हमारा ये हलवा भी कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो हमारा ये परफेक्ट मिश्रण तैयार है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे।
अब एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हम बर्फी जमाएंगे। अगर आपके पास बर्फी वाली ट्रे है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, मैं इस नॉर्मल ट्रे में जमा रही हूँ। देखिए फाइनली हमारा मिश्रण पूरी तरह से कढ़ाई में घूम रहा है और कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है, तो अब हम इसकी बर्फी बना लेंगे। अब इस मिश्रण को मैंने इस ट्रे में जमा दिया है। अब हम इसे आधे पौने घंटे बाद फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर ही आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर इसकी बर्फी कट करेंगे। एक घंटा हो चुका है और हमारी ये बर्फी भी सेट हो चुकी है, अब हम इसे काटेंगे। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हुई है। इसकी खासियत ये है कि ये बर्फी गाजर का टेस्ट भी देती है और कराची हलवे का भी। ये देखिए हमारी सुपर सॉफ्ट बढ़िया सी बर्फी बनकर तैयार है और हमारी ये गाजर की बर्फी तैयार है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।